हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों। अच्छा, अब आपको पहले जैसे बताया पैसिव सेंटेंस के बारे में, तो उनमें आपको एफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसों के बारे में बताया। अब देखो आगे कि जैसे जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनको किस तरीके से बनाना है। इनमें क्या है कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। अब ये जो इंटरोगेटिव सेंटेंस हैं उनको जब अपने पैसे में बदलते हैं तो नियम वही हैं जैसे आपको पहले एफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंसों में बताए गए वही हैं। अब इनमें करना क्या है कि जैसे एक्टिव सेंटेंस है वो इंटरोगेटिव है, तो पैसिव सेंटेंस को भी आपको इंटरोगेटिव बनाना है। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस जैसे दो तरीके से बनते हैं। नंबर एक, एक तो हेल्पिंग वर्ब से बनते हैं यानी सहायक क्रिया से इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है, और एक क्या है कि डब्ल्यू एच वर्ड से बनते हैं, तो डब्ल्यू एच वर्ड से इंटरोगेटिव। अब इनमें जिस तरीके से वाक्य, अगर एक्टिव वाला हेल्पिंग वर्ब से इंटरगेटिव है तो आपको हेल्पिंग वर्ब से बनाना है, और अगर ये डब्ल्यू एच वर्ड से बनाया गया है तो डब्ल्यू एच वर्ड से बनाना है। डब्ल्यू एच वर्ड का मतलब जैसे वाट है, वैन है, वेयर है, वाई है, हु है, हुम है, हुज है, ये जो शब्द हैं इनको डब्ल्यू एच वर्ड बोलते हैं। तो इनमें से जिस तरीके का वाक्य बनाया गया है यानी हेल्पिंग वर्ब से बनाया है तो हेल्पिंग वर्ब से बनाना है, डब्ल्यू एच वर्ड से बनाया है तो डब्ल्यू एच वर्ड से बनाना है। बाकी जो नियम हैं वो सेम उसी प्रकार से हैं जैसे एफर्मेटिव सेंटेंसों में या नेगेटिव सेंटेंसों में आपको बताए हैं। अब देखो जैसे ये जो एक्टिव सेंटेंस होता है, एक्टिव वाला जो सेंटेंस होता है, ये क्या होता है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है वो इस तरीके से होता है कि पहले सबसे पहले आता है इसमें डब्ल्यू एच वर्ड, यानी जैसे वाट है, वेन, वेयर, वाई, वूम, वूज, ये जो शब्द हैं इनको डब्ल्यू एच वर्ड बोलते हैं, यानी क्यों, कब, कहाँ, किसने, कैसे, किस लिए, ये अर्थ देने वाले जो शब्द हैं वो डब्ल्यू एच वर्ड हैं। अच्छा, डब्ल्यू एच वर्ड के बाद में क्या होता है कि आती है हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखा जाता है सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद में लिखा जाता है ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट के बाद में अदर्स। इस तरीके से एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है वो बनता है। अब जब अपने इसको पैसिव में बनाएंगे, पैसिव में चेंज करेंगे, तो क्या करना है कि जो ये डब्ल्यू एच वर्ड है वो सेम डब्ल्यू एच वर्ड वही लिखना है, जहाँ हेल्पिंग वर्ब लिखी है वही हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। अब बात वही आ गई एफर्मेटिव सेंटेंस वाली कि जो सब्जेक्ट है इसको क्या करना है, ऑब्जेक्ट की जगह ले जाना है, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले जाना है। तो यहाँ ये जो सब्जेक्ट है इसकी जगह तो आ जाएगा ऑब्जेक्ट, और फिर उसके बाद में मेन वर्ब आ जाएगी, और मेन वर्ब के बाद बाय लगा कर इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लिख देंगे तो बाय सब्जेक्ट, और जो अदर्स है वो अपनी जगह आ जाएगा अदर्स, और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेटिव। यानी कहने का मतलब यानी कि जो एक्टिव सेंटेंस है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो अपने को क्या करना है, इंटरोगेटिव में बनाना है। डब्ल्यू एच वर्ड से बनाया गया है तो डब्ल्यू एच वर्ड से बनाओ, हेल्पिंग वर्ब से बनाया गया है तो हेल्पिंग वर्ब से बनाओ। अब इसमें सिर्फ ध्यान इतना ही रखना है, यानी कि इसमें बात ही ध्यान में रखनी है अपने को कि ये जो एक्टिव वाला सेंटेंस है इसमें क्या होगा कि ये जो सब्जेक्ट है इस सब्जेक्ट के अनुसार ये हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। अब पैसिव जब आप बनाएंगे तो क्या होगा कि ये जो सब्जेक्ट है इसकी जगह ऑब्जेक्ट ले लेगा, तो अपने को जो ये सहायक क्रिया है हेल्पिंग वर्ब है वो क्या करनी है कि इस ऑब्जेक्ट के अनुसार लिखनी है। बस इतनी सी बात है और कोई विशेष बात इसमें नहीं है। अच्छा, अब देखो जैसे ये एक एग्जांपल है, ये लिखा है कि वाई आर यू कॉलिंग ए मी, और साइन ऑफ इंटरोगेटिव। ये एक एक्टिव सेंटेंस है, इसमें क्या है कि जैसे ये वाई तो क्या हो गया डब्ल्यू एच वर्ड हो गया, आर क्या हो गई हेल्पिंग वर्ब हो गई,
यू क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। कॉलिंग क्या हो गई? मैन वर्ब हो गई। मी क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसका जब पैसिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, ये एक्टिव सेंटेंस है, इसका जब पैसिव बनाएंगे तो क्या करेंगे कि ये जो डब्ल्यू एच वर्ड है भाई, ये सेम का सेम लिखो, वही का लिखेंगे भाई। अब यानी कहें सही क्रिया हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, इसमें लिखा हुआ है आर। ये आर है वो किसके लिए है, किसकी वजह से लिखा गया है, इस यू की वजह से। यहाँ सब्जेक्ट है यू, यू है प्लूरल में, इसलिए प्लूरल सही क्रिया यहाँ लिखी हुई है। अब ये यू है वो तो चला जाएगा इस मी की जगह, और ये मी है वो आएगा इस यू की जगह। तो मी को जब सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, आई लिखा जाएगा। यानी मी को, मी ऑब्जेक्ट है और इसको सब्जेक्ट में लिखें तो क्या लिखा जाएगा, आई लिखा जाएगा। अब आई के साथ क्या करना है कि ईजेमआर में से क्या लिखा जाता है, एम लिखा जाता है, तो ये आर की जगह क्या जाएगा, एम आ जाएगा। ये हो जाएगा वाई एम आई, ये आई एन जी है इसको हटा दो। आई एन जी हटाने के लिए क्या करते हैं, बींग लगाते हैं, बींग लगा देंगे और कॉल की थर्ड फॉर्म आ जाएगी कॉल्ड। और बाय लगा करें, ये लिखा हुआ है सब्जेक्ट यू, इसका ऑब्जेक्ट में लिखेंगे तो यू ही लिखा जाएगा। और साइन ऑफ इंटरोगेटिव है वो साइन ऑफ इंटरोगेटिव लगेगा। कहने का मतलब यानी कि जो प्रश्नवाचक वाक्य है उसको प्रश्नवाचक वाक्य में ही बदल देना है। अच्छा अब देखो, जैसे नंबर दो, जैसे आपको बताया ना कि दो तरीके से सेंटेंस बनते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब से बनते हैं और एक डब्ल्यू एच वर्ड से, तो ये तो डब्ल्यू एच वर्ड वाला हो गया। अब अगर हेल्पिंग वर्ब से एक्टिव वाला वाक्य बनाया गया तो इसमें क्या होगा कि जो हेल्पिंग वर्ब से एक्टिव सेंटेंस होगा वो इस प्रकार से बना होगा। इसमें क्या होगा कि सबसे पहले होगी हेल्पिंग वर्ब यानी सही क्रिया लिखी होगी, और हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या लिखा होगा, सब्जेक्ट लिखा होगा। सब्जेक्ट के बाद में क्या होगी, मैन वर्ब होगी, और मैन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट लिखा होगा, ऑब्जेक्ट के बाद अदर्स लिखा होगा, और लास्ट में लगा होगा साइन ऑफ ए इंटरोगेटिव। ये एक्टिव सेंटेंस है। अब इसका जब अपने पैसिव बनाएंगे तो क्या करना है, पैसिव वाले में इस तरीके से बनाना है। ये पैसिव, ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब उसी प्रकार से लिखी जाएगी। अब इसमें क्या है कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है एक्टिव वाले में हेल्पिंग वर्ब वो तो इस सब्जेक्ट के अनुसार है, और अपने पैसिव में लिखेंगे तो इस सब्जेक्ट की जगह कौन ले लेगा, ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो इस ऑब्जेक्ट के अनुसार ये हेल्पिंग वर्ब वो लिखी जाएगी। कहने का मतलब सिंगुलर प्लूरल यहाँ चेंज हो सकती हैं, यानी इज किस गए आर, आर किस गए इज, या वाज किस गए वर, हैज किस गए हैव, इस तरीके से ये सिंगुलर प्लूरल चेंज हो सकती हैं, बाकी आएंगी उसी टेंस की। हेल्पिंग वर्ब आ गई, अब ये जो सब्जेक्ट है इसकी जगह तो आ जाएगा ऑब्जेक्ट, मैन वर्ब है वो मैन वर्ब, और यहाँ फिर क्या करेंगे, बाय लगा करें लिख देंगे इसे सब्जेक्ट को, और अदर्स है वो अपनी जगह रहेगा अदर्स के रूप में, और लास्ट में लग जाएगा साइन ऑफ ए इंटरोगेटिव। इस तरीके से वाक्य बन जाएगा। अब देखो जैसे एग्जांपल, इसका एग्जांपल है जैसे लिखा है डू यू नाउ हिम और साइन ऑफ ए इंटरोगेटिव। ये एक है, यानी क्या है कि एक्टिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक है। इसको पैसिव में बनाएंगे तो इसको पैसिव सेंटेंस बनाएंगे तो क्या है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, डू सही क्रिया लिखी हुई है, तो डू डज का क्या करते हैं कि ईजेएमआर में चेंज कर देते हैं, तो डू डज को बदल देंगे ईजेएमआर में। अब ये डू है वो लिखा गया है इस यू की वजह से। अब इस यू की जगह क्या आएगा, ये यू तो चला जाएगा हिम की जगह, अरे हिम आएगा इस यू की जगह, तो हिम को जब सब्जेक्ट में लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, ही लिखा जाएगा। अब ही के साथ क्या है कि ईजेएमआर में से क्या लिखा जाएगा कि ये जो ही है वो सिंगुलर है, ये सब्जेक्ट यानी ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ इज एम आर में से लिखा जाएगा इज, तो डू की जगह आ जाएगा इज, ये आ जाएगा इज ही। नाउ की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, नाउन, नाउन है, और बाय लगा करें, ये यू सब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट में लिखेंगे तो लिखा जाएगा यू, और साइन ऑफ ए इंटरोगेटिव लिख जाएगा। सुन भाई बात। अच्छा अब देखो इसमें क्या है कि कुछ ऐसे सेंटेंस हैं इनमें डब्ल्यू एच वर्ड वाले हैं, जैसे इनमें बताया आपको
इसमें एक शब्द ये भी है कि उसको आपको चेंज करना है, और वो क्या है, वो है यानी कि वो शब्द वो है, वो किसके लिए आता है बच्चों, वो आता है कर्ता के लिए, एक्टिव वाले में कर्ता और पैसिव वाले में कर्म, तो वो है वो कर्ता के लिए आता है। अब पैसिव में बदलेंगे तो वो की जगह कौन ले लेगा, कर्म के लिए क्या आता है, वो आता है, तो इसको वो हम में बदलना है। यानी कहने का मतलब कि जो वो है, अगर कोई सेंटेंस है एक्टिव सेंटेंस इंटरोगेटिव वाला, वो वू से बनाया गया है, तो इसको क्या कर देना है आपको, पैसिव में बनाते समय बाई होम लिख देना है। यानी ये वो है वो क्या है, जैसे आपको पहले भी बताया, ये कर्ता के लिए आता है, सब्जेक्ट के लिए आता है, और ए होम है वो ऑब्जेक्ट के लिए, कर्म के लिए आता है, तो कर्ता की जगह कर्म ले लेता है, इसलिए वो की जगह क्या हो जाएगा, बाई होम हो जाएगा। और अगर ये होम सेवा की शुरुआत की गई है तो उसकी जगह कर्ता को कर देना है, यानी वो हो जाएगा। कहने का मतलब यानी अगर कोई सेंटेंस है वो होम से बनाया गया है तो होम की जगह लिख देना है वो से, इस तरीके से। इनके अलावा जो भी जितने भी मतलब ये डब्ल्यू एच वर्ड हैं वो सेम के सेम लिखे जाएंगे, जिस तरीके से एक्टिव सेंटेंस में लिखा होता है उसी तरीके से इनको क्या करना है, अपने को पैसिव सेंटेंस में लिखना है। केवल एक ही शब्द है हु, इसको चेंज करना है, क्योंकि वो है वो कर्ता के लिए आता है, एक्टिव वाले में कर्ता होता है, पैसिव वाले में कर्म होता है, ऑब्जेक्ट होता है, इसलिए कर्म के लिए हुम लिखा जाता है। अब देखो जैसे इसका एक एग्जांपल है, इस तरीके से इसको चेंज करके अपने को लिखना है। अब ये इसका एक एग्जांपल, जैसे ये लिखा है कि रमन, अच्छा इंटरोगेटिव सेंटेंस में है, तो ये लिखा है कि भाई ये वो विल टीच यू, और साइन ऑफ ए इंटरोगेटिव। अब जैसे ये एक एक्टिव सेंटेंस है, ये वो है वो डब्ल्यू एच वर्ड हो गया, विल है वो हेल्पिंग वर्ब हो गई, वो वाले में कर्ता को पूछा जाता है तो कर्ता इसमें है नहीं, और टीच मैन वर्ब हो गई, यू हो गया ऑब्जेक्ट। यानी विल है वो हेल्पिंग वर्ब है, टीच है वो मैन वर्ब है, और यू है वो क्या है, ऑब्जेक्ट। तो इसका जब पैसिव बनाएंगे, ये एक्टिव सेंटेंस इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, वो की जगह लिख देंगे बाई वूम, बाई वूम। हेल्पिंग वर्ब जो यहाँ लिखी हुई है वो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, तो ये विल है, सेल विल का सेल विल ही विल लिख देंगे, बाई होम विल। अब लिखेंगे मैन, ये जो ऑब्जेक्ट है उसको, ऑब्जेक्ट क्या है, यू है, तो यू बाई होम विल यू, और ये विल है तो विल के साथ बी लगाकर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाई जाती है, इसलिए बी लगा देंगे, और ये जो टीच मैन वर्ब है इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी टॉट, इस तरीके से, और साइन ऑफ ए इंटरोगेटिव, ये हो जाएगा बाई होम विल यू बी टॉट, इस तरीके से वाक्य है वो बना दिया जाएगा। अच्छा अब देखो, यानी कि इसमें कुछ सेंटेंस हैं जिनमें क्या होता है कि इन्फिनेटिव टू वाले भी होते हैं, यानी जिनमें गोइंग टू सेंटेंस भी हैं, ये किस तरीके से करने, देखो ये है जैसे एक तो गोइंग टू वाले, अब ये गोइंग टू वाले सेंटेंस हैं, इनको किस प्रकार से करना है कि इनमें जो एक्टिव सेंटेंस होगा, यानी जो एक्टिव सेंटेंस है वो किस प्रकार से लिखा होगा, कि इसमें पहले लिखा होगा सब्जेक्ट को कर्ता, फिर हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या लिखा होगा, गोइंग, और इसके साथ लिखा होगा टू, और फिर इसके बाद में आएगी मैन वर्ब, और मैन वर्ब की वो भी आएगी केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब गोइंग टू मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर्स, ये इस तरीके से यानी कि वाक्य होगा एक्टिव वाला। अब इसको जब पैसिव में बनाएंगे तो क्या करना है कि पैसिव में बनाएंगे तो इसमें जो ये सब्जेक्ट है इसकी जगह क्या जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब लिखी जाएगी। ये जो हेल्पिंग वर्ब है एक्टिव वाली वो इस सब्जेक्ट के अनुसार है, यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो इसे ऑब्जेक्ट के अनुसार आएगी। अब इसमें जो गोइंग लिखा है ये गोइंग टू का गोइंग टू ही आपको लिखना है, ये नहीं है कि इसमें आई एन जी आ गया तो बीइंग वर्ड, नहीं, यानी गोइंग के साथ में अगर टू लिखा हुआ है तो गोइंग टू का गोइंग टू ही लिखना है। अब इसमें क्या होगा कि ये जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसको थर्ड में चेंज करने के लिए आपको बी से लगाना है। ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब किसके हेल्पिंग वर्ब, गोइंग टू का गोइंग टू लिखना है और टू के बाद बी लगाना है। अब बी लगा करें, ये जो टू है टू के बाद हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो इस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को चेंज कर देना है थर्ड में, और जो ऑब्जेक्ट है इसकी जगह आ जाएगा बाई लगाकर सब्जेक्ट को लिख देंगे और ये जो अदर्स है वो अपनी जगह आ जाएगा। अब जैसे इसका एक एग्जांपल देखो, इसका एग्जांपल है ये लिखा है कि हरीश इज गोइंग टू ओपन एनी स्टोर, ये मतलब क्या है कि जिस तरीके से यानी कि एक सेंटेंस दिया हुआ है कि हरीश इज गोइंग टू ओपन एनी स्टोर, ये एक्टिव सेंटेंस है। इसको अपने पैसिव में बदलेंगे क्या लिखेंगे, हरीश क्या है सब्जेक्ट है, इज क्या है हेल्पिंग वर्ब है, और ये गोइंग टू का गोइंग टू लिखा हुआ है, ओपन क्या हो गई मेन वर्ब हो गई, ए न्यू स्टोर क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। अब कहाँ से शुरुआत करेंगे, ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट क्या हो गया ए न्यू स्टोर, हरीश है वो सिंगुलर है इसलिए इज लिखा है, ए न्यू स्टोर सिंगुलर है इसलिए क्या जाएगा इज का इज आ जाएगा, इज गोइंग का जाएगा गोइंग, टू का लिखेंगे टू। अब इस टू के बाद में लगा देना है यहाँ बी, ए नेव स्टोर इज गोइंग टू बी और ओपन है इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी ओपन, बाय लगा करें ये लिख देंगे सब्जेक्ट है हरीश, इसको ऑब्जेक्ट में लिखेंगे तो लिखा जाएगा हरीश, इस तरीके से वाक्य बना दें। ये जो गोइंग टू वाले सेंटेंस है इनमें क्या करना है आपको कि गोइंग टू का गोइंग टू ही लिखना है, यानी इसमें क्या होगा कि टू के बाद में मेन वर्ब आएगी और मेन वर्ब की क्या होगी कौन सी फॉर्म दी होगी, केवल फर्स्ट फॉर्म दी होगी, तो अपने को क्या करना है कि ये जो टू है इसके साथ में बी जोड़ना है और बी लगाकर फिर मेन वर्ब की जो ये फर्स्ट फॉर्म है इसको थर्ड में चेंज कर देना है। बाकी जो नियम तौर तरीके हैं वो सेम उसी प्रकार से हैं जैसे बाकी वाक्यों में अपने बनाते हैं। तो ये मतलब क्या है कि गोइंग टू वाला जो सेंटेंस है उसको इस तरीके से आपको बनाना है। अच्छा, अब इनमें जो पैसिव वाले सेंटेंस हैं इनमें आपको बुक में जो एक्सरसाइज दी हुई हैं इन एक्सरसाइजों से इन वाक्यों को आप करोगे और अगर इन जितना इनका अभ्यास करोगे एक्सरसाइज जो दी हुई है कि बुक में अपने जो आपके टेक्स्ट बुक है उसमें दिए हुए हैं ये पैसिव जो सेंटेंस हैं वो सारा उनका बताया है तो उसमें लास्ट में एक्सरसाइज दी हुई है अपने अभ्यास के लिए, तो उन दी हुई एक्सरसाइज में से अगर इन वाक्यों को अपने करके देखेंगे तो ये सारी बातें अपने समझ में आ जाएंगी और किसी भी प्रकार की कोई भी अगर इनसे संबंधित कोई दिक्कत आती है कोई समस्या आती है तो उसका समाधान बिल्कुल आपके आपके लिए किया जाएगा।
ग्रामर वाली जो जितनी भी बात है उनमें ग्रामर उतना ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा जितना आप इसका अभ्यास करोगे। और अभ्यास के लिए आपके पास टेक्स्ट बुक है, कोई और अन्य सहायक सामग्री है, तो उसमें से आप देख सकते हो, कर सकते हो। और जितना अभ्यास करोगे उतना ही, मतलब क्या है कि इसके लिए आपके लिए अच्छा रहेगा, उतना ही बढ़िया ये समझ में आएगा। इस तरीके से ये पैसिव वाला जो सेंटेंस जो टॉपिक है वो अब आपका कंप्लीट है। अच्छा, अब इसमें जो पैसिव वाले जो सेंटेंस हैं इनमें क्या है कि कुछ सेंटेंस से अच्छे तरीके से समझने के लिए ये भी है कि इसमें अगर अपने को पैसिव सेंटेंस दे दे तो पैसिव का क्या करना है, अपने को एक्टिव बनाना है इन वाक्यों को अच्छे तरीके से समझने के लिए। देखो, यानी अपने को क्या दे दिया, एक पैसिव सेंटेंस दे दिया, और पैसिव को क्या करना है, पैसिव को अपने को चेंज करना है एक्टिव में। तो जैसे देखो, ये जो पैसिव होता है, पैसिव जो सेंटेंस होता है, इसमें क्या होता है कि पहले ऑब्जेक्ट होता है, फिर क्या होती है इसमें, फिर हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब आती है, और मेन वर्ब के बाद है यानी कि इसमें लिखा होता है बाय लगा करें सब्जेक्ट को, और फिर उसके बाद में अदर्स लिखा होता है। एक साइड में रख दी, साइड में रख दी, यानी बाय लगाकर सब्जेक्ट को लिख देंगे और फिर हो जाएगा ये प्लस है अदर्स। ये इस तरीके से वाक्य है। अब इसका जब अपने एक्टिव बनाएंगे तो क्या करना है कि इसमें पैसिव वाले में तो ऑब्जेक्ट प्रधान होता है ये, और एक्टिव वाले में कर्म प्रधान होता है, ये सब्जेक्ट कर्ता प्रधान होता है। तो ये जो बाय लगाकर सब्जेक्ट लिखा हुआ है इसको ले आओ यहाँ, सबसे पहले पहले लिखो सब्जेक्ट को, इसके बाद लिखो हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद लिखो मेन वर्ब, और उसके बाद में ये जो बाय लगाकर सब्जेक्ट है इसकी जगह ऑब्जेक्ट ले लेगा, तो यहाँ लिख देना है ऑब्जेक्ट को, और अदर्स है वो अपनी जगह रहेगा। इस तरीके से अब जैसे एग्जांपल है, ये एग्जांपल लिखा है, ये लिखा है कि रूम्स आर क्लीन बाय रानी डेली। ये क्या है, ये एक पैसिव सेंटेंस है। इस पैसिव सेंटेंस को क्या करना है, अपने को एक्टिव में बदलना है। यानी ये पैसिव जो सेंटेंस है इसको एक्टिव में बदलेंगे तो किस तरीके से करेंगे, ये रूम्स क्या है इसका ऑब्जेक्ट है, आर क्या है हेल्पिंग वर्ब है, क्लीन क्या है मेन वर्ब है, और बाय लगाकर ये रानी शब्द दिखा है, ये क्या है इसका सब्जेक्ट है, डेली क्या हो गया अदर्स हो गया। अब जब एक्टिव में लिखना शुरू करेंगे क्या हो जाएगा, कहाँ से शुरुआत करेंगे, सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट क्या है रानी है, तो यहाँ से लिखना शुरू करेंगे रानी। फिर इसके बाद में देखो, ये यहाँ लगाइए साइक्रिया इजेमार, इजेमार साइक्रिया है वो कौन से टेंस में आती है, यानी कि जैसे एक्टिव वाला ये जो पैसिव वाला सेंटेंस है वो कौन से टेंस का बन गया, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का, इसको प्रेजेंट सिंपल में बदलना है। तो प्रेजेंट सिंपल में क्या होता है, प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई सही क्रिया नहीं आती, इसलिए ये आर है वो यहाँ से हट जाएगा। मेन वर्ब है उसकी इसमें क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो मेन वर्ब क्या है क्लीन है, सी एल ई एन क्लीन,
रानी है वो सिंगुलर है, तो इस वर्ब को भी सिंगुलर बनाना है। सिंगुलर बनाएंगे तो इस वर्ब के साथ में क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा, क्लीन्स, रानी क्लीन्स। अब ये आ जाएगा, ये जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, रूम है, तो ये ऑब्जेक्ट की जगह देख देंगे रूम्स और डैडी, ये हो जाएगा। ये आ जाएगा रानी क्लीन्स रूम्स और डैडी की, इस तरीके से, यानी कि ये के पैसिव जो सेंटेंस है उसको एक्टिव में बदलना है। किसी भी प्रकार का कोई भी वाक्य हो चाहे, जैसे देखो ये एक पैसिव सेंटेंस है, पैसिव सेंटेंस है, इसको एक्टिव में बदलना है, एक्टिव में चेंज करना है, तो किस तरीके से करेंगे। जैसे ये लिखा है कि अगर मान लो इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस, ये तो जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस आपको पता है, अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो इंटरोगेटिव सेंटेंसों को भी चेंज किया जा सकता है। जैसे ये लिखा है कि एक उदाहरण के रूप में एक एक्टिव सेंटेंस है, एक पैसिव सेंटेंस है, उसको एक्टिव में चेंज करना है। तो ये पैसिव सेंटेंस है, ये लिखा हुआ है कि ये लिखा है टॉयज आर बॉट बाय गीता, ये पैसिव है, और इसको पैसिव को क्या कर लेंगे कि एक्टिव में चेंज करेंगे। एक्टिव में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, जैसे ये टॉयज है वो तो क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्ट हो गया, आर क्या है हेल्पिंग वर्ब है, और बोट क्या हो गई, यानी इसकी मेन वर्ब हो गई, और बाय गीता है वो क्या है, इसका सब्जेक्ट है। अब जब इसको एक्टिव में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा कि एक्टिव सेंटेंस में लिखेंगे तो पहले लिखेंगे सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट क्या है गीता, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या लिखी है, आर लिखा हुआ है, तो इज एम आर वर्ड हैं वो, जब एक्टिव में लिखेंगे तो ये प्रेजेंट सिंपल के वाक्य हैं इसलिए इनमें कोई सही क्रिया नहीं आएगी, और मेन वर्ब लिखेंगे, मेन वर्ब है वो क्या है, बोट है, तो बोट की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी बाई, गीता है वो सिंगुलर में है इसलिए इसके साथ लग जाएगा एस, गीता बाइस और टॉयस टी ओ और वाई एस फुल स्टॉप, इस तरीके से। तो ये मतलब क्या है कि इस तरीके के जो वाक्य हैं वो आप अपने टेक्स्ट बुक में जो एक्सरसाइज दी हुई उनको करके देखोगे तो ये बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझ में आएंगे, और अगर फिर भी कोई किसी भी प्रकार की समस्या हो, दिक्कत हो, तो बिल्कुल आप पूछोगे और उसका समाधान आपके लिए किया जाएगा।